Hi, I'm Zareen Khan. Welcome to my show, Spices and Secrets. Over the last few weeks, I have been talking about my family at length and our treasure of culinary secrets that I inherited from my mother-in-law and my Parsi grandmother. It's been wonderful sharing these recipes with you all and having so many close friends on the show with us. So today, I thought I would give you all a surprise. Lunch with my family. Life is nothing less than a fairy tale story with its highs and lows, friends and foes, joys and woes. But let me start at the beginning of my story. This is my husband, Sanjay Khan. To the world, he's an actor and a producer, but to me, he's my world. And this show, which is a result of the book I wrote from my mother-in-law's legacy to me, is the product of all that is good and beautiful in our life together, and all that has bonded us forever. But why don't I let Sanjay tell this to you? इन्होंने अभी कहा कि I am her world. हम ये कहते हैं कि ये हमारी दुनिया है, ज़रीन खान. ये बहुत पुरानी कहानी हम दोनों की, जो कहते हैं शुरू से कहना है तो शुरू से ही कहूँगा मैं. हमारी मुलाकात जब हम जुहू में आए, उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 17-18 साल की, और हम बैल्कनी में बैठे हुए थे फर्स्ट फ्लोर की हमारे घर के. नीचे से एक बड़ी खूबसूरत लड़की, बड़ी बड़ी आँखें, रंग गोरा और शॉर्ट्स पहने हुए, दौड़ती हुई, नाना भाई किसी को चिल्लाते हुए. तो मैं आगे देखता हूँ तो एक मोटे पारसी जैसे थे, वो मुड़ के देखते हैं इनकी तरफ और आते हैं. तो फिर मेरी तवज्जो इन पर थी. पता चला ये पड़ोस में रहती हैं. सोचा कैसे मिलूँ. और एक दिन इसी सोच में हम बालकनी में बैठे हुए थे, मुझे याद है कि ये और इनकी एक सहेली, उनका भी नाम ज़रीन था, हमारी पड़ोसन थी वो भी, ये दोनों मिलकर जुहू बीच की तरफ गए. तो हमने सोचा कि भाई देखिए, अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती लाइफ में. तो मैंने कहा, करेज निकाला, मैंने कहा कि ठीक है, हम जाएंगे इनके पीछे. और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, आईने में देखा अपने आप को, और दौड़ने के बहाने से बीच पर दौड़ना शुरू किया. ये दूर नजर आई दोनों चलते हुए, इनसे आगे मैं निकल आया. मुड़ के देखा ये काफ़ी दूर हैं, तो मैंने एक पत्थर उठाया और ताज़ा सैंड्स पर एक बड़ा हेलो लिख दिया, HELLO, और आगे दौड़ना शुरू किया. फिर जैसे कि मैंने देखा नहीं, मुड़ मुड़ के दूर से देखा कि ये दोनों कुछ और से देख रही थी. क्या देख रही थी? वो जो मैंने लिखा था. फिर मैं दोबारा वहाँ से टर्न करके वापस रन कर रहा था, जब तक ये आगे पहुँच गई थी. तो मैं जहाँ वो हेलो लिखा हुआ था, मैं रुक गया. रुक कर देख रहा हूँ तो एक दूसरा हेलो लिखा हुआ था. तो मैंने कहा कि ये रिस्पॉन्स मिला है, ज़रीन और वो दूसरी ज़रीन इनकी सहेली जो थी, हमारी तरफ आते गई. हम रुक गए. रुक कर मैंने कहा हेलो, तो ये हेलो, तो आपस में बातचीत शुरू हुई. और मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मुझे एक ऐसी एक फीलिंग हुई कि जैसे कि मेरी ज़िंदगी मुझे हासिल हुई, मिल गई. मैंने सोचा कि यही लड़की मेरी होगी, हम इसको नहीं छोड़ेंगे. तो मैंने इनसे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी? आपको अजीब सा लगता होगा लेकिन ये सच है. एक दो लाइन बोलने के बाद तो वो कहती हैं कि अगर मेरी फीलिंग जैसे आज है, एक साल के बाद होगी, तब मैं हाँ कहूँगी. तो मैंने कहा ये बाजी मैं मारूंगा, ये मैंने कहा आई विल वेट फॉर यू. उसके बाद हमारी दोस्ती ऐसी बढ़ गई कि हम एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए जुहू बीच पर घूमते थे. हमारी जेब में 10 रुपये नहीं होते थे.
हम सरीन से पूछते थे कि भाई देखिए बताओ ये कौन सा घर अच्छा लगता है, तो कहती वो जो घर है छोटा सा वो चलेगा। मैंने कहा नहीं नहीं उससे बड़ा चलूँ। तो इस तरह से हम टहलते टहलते एक बड़ा घर था सिल्वर बीच पे, उन्होंने देखा हाँ वो ठीक रहेगा। मैंने कहा यही लेंगे हम। खैर इतनी लंबी बात नहीं है, जू में हमने बहुत आलीशान मकान बनाया, एवेंचुअली इनके साथ शादी हुई। तो खैर कमिंग टू मोर इंटरेस्टिंग थिंग, सत्यन बोस मेरे जो गुरु थे वो बड़े अच्छे नेक आदमी थे, वो हमारे पड़ोस में थे जू में। तो एक दिन मुझसे देखा, कहा कि भाई तुम फिल्मों में आना चाहते हो? मैंने कहा बेशक, अगर आप मुझे चांस देंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो उन्होंने मुझे दोस्ती में कास्ट किया था। और उस वक्त क्या था, ये आलम था कि हम दोनों ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था, फिरोज भाई से जुदा हो गए थे, 400 रुपये किराया था उसका और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बलराज सानी के एक कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा हमें एक रूम दे दीजिए, हम 200 रुपये देंगे। तो 6 हफ्ते हुए दोस्ती के रिलीज़ के बाद, तो जरीन हमसे कहती है कि कैसे चलेगा आगे, कुछ सोचिए वगैरह। तो मैं दादा से गया, दादा से मिला, मैंने कहा दादा देखिए 6 हफ्ते हो गए, आपने कहा दोस्ती के बाद मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, तो तुम ठहरो। तो मैंने कहा दादा मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, ऐसा लगता मैं सुसाइड कर लूँगा। तो लगे क्या बकवास करते हो बंगाली एक्सेंट में, तुम देखो क्या होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे मेरे दरवाजे पर जैसे कि बरसात, दस्तक की बरसात हुई और 3 महीने के अंदर मैंने 100 फिल्म साइन कर लिया। और मजाक होता था हमारे भाई के साथ और जरीन के साथ, आज कितने हुए, 3, 5, 3, 5, 6, और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिम्मेदारियाँ बढ़ती गईं और फिर जरीन ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, हम उनका हाथ नहीं छोड़े। और ये आलम था कि जब हम शूटिंग करते थे तो मेरी हीरोइंस कहती थी कि जरीन को सेट पे नहीं ले आना। तो मैंने कहा क्यों? नहीं बड़ी खूबसूरत है, हमको कॉम्प्लेक्स आता है। दिस इज इट्स अ फैक्ट, आई विल नॉट से अदरवाइज। तो हालांकि दे यूज टू लाइक हर, और कभी कभी ये सेट पर आती थी। मुझे बहुत अरसा हुआ है, इन्होंने मुझे 4 खूबसूरत बच्चे दिए, 3 बहुत खूबसूरत लड़कियाँ, इंटेलिजेंट काबिल, एक बहुत खूबसूरत लड़का, और हमारे अभी पोते और नवासे भी हैं, पोतियाँ भी हैं। अगर शायद ये नहीं होती तो हम आज नहीं होते। नहीं, दैट्स यू नो ही इज प्रेज्ड मी सो मच, बट ही इज ट्रूली स्पेशल, दैट्स ऑल आई कैन से, ट्रू। बट बिफोर वी गो ऑन, आई हैव टू गो इन एंड मेक द लंच, अदरवाइज एवरीबॉडी इज गोइंग टू कम एंड देयर वोंट बी लंच। So I'm going to leave you. You go back to your office and come back and see you. I'm looking forward to the meeting. See you soon. Thank you. Look forward. Thank you. Sanjay is so excited about having the whole family home after 2 weeks, and he's such a stickler for time. So while he's finishing his meeting and I make the preparations, we'll take a short break. But come back, because I'm going to be cooking with a guest who's very close to my heart.